हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्काइन ग्रुप यानी हाइड्रोकार्बन। जो कार्बन चैप्टर चल रहा था हमारा, इसमें हाइड्रोकार्बन का ये जनरली थर्ड पार्ट है। यानी कि हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में जो अल्केन था वो हमने पढ़ लिया था, अब अल्कीन वो भी हमने आपको। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो होते हैं, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन हमने लास्ट क्लास में कवर किया था और आज हम लोग अल्काइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अल्कीन या उससे पहले वाले जो पार्ट्स, अल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या उससे पहले की वीडियोस अगर आप इस चैप्टर के देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के बहुत सारे लिंक पड़े हुए हैं इस चैप्टर के, आप जाकर के देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्काइन। वेलकम टू GTS और मैं हूं शाबाज सर। स्टार्ट करते हैं अल्काइन ग्रुप, और जिसमें आपको लिखा हुआ है अल्काइन और आइन में सफिक्स जो लगता है वो क्या लगता है, आइन लगता है। अल्काइन में क्या सफिक्स लगता है, आइन। मतलब उसके जो ग्रुप्स होंगे, इसके जो मेंबर्स होंगे, उसके नाम में लास्ट में क्या लग जाएगा, आइन लग जाएगा, राइट। उसके नाम में जैसे हम प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस तरह से, राइट। अच्छा, इसका जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला है CnH2n-2, ठीक है, CnH2n-2। आप लोग नोटबुक और पेन रेडी रखना ताकि नोट्स कंप्लीट कर सको आप। CnH2n-2 में क्या होता है कि देखो, आप जो अल्कीन मैंने बताया था, हाइड्रोसैचुरेटेड का जो फर्स्ट पार्ट था अल्कीन, अल्कीन में था जनरल फार्मूला CnH2n। अल्कीन में जनरल फार्मूला, उसमें जो CnH2n+2 था उसके 2 को माइनस कर दो तो बचा CnH2n, तो ये बना अल्कीन का जनरल फार्मूला। अब उसमें से 2 और माइनस कर दो, CnH2n में से 2 और माइनस करो, H2n जो है उस 2n में से 2 और माइनस करो, तो बन जाएगा अल्काइन का फार्मूला। मतलब 2 माइनस करके अगले हाइड्रोकार्बन का फार्मूला तैयार होता है। मतलब ये हमारा क्या है, जनरल फार्मूला है। और आपको मैं बताते चलूँ कि जो अल्काइन है उसमें कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ध्यान रखना। चलो मैं टेबल बनाता हूँ सबसे पहले, टेबल बनाने के बाद फिर स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स। टेबल तैयार करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा जाता है नंबर ऑफ कार्बन, और यहाँ पर होगा फॉर्मूला, यहाँ पर लिखा जाएगा फॉर्मूला, और यहाँ पर इसका नेम ऑफ कंपाउंड, क्या लिखेंगे, नेम ऑफ कंपाउंड। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन अगर एक होता है तो क्या होगा, मिथ होगा। नंबर ऑफ कार्बन एक होता है उसको मिथ बोलते हैं। नंबर ऑफ कार्बन अगर दो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इथ। नंबर ऑफ कार्बन अगर थ्री होगा तो क्या बोलेंगे, प्रॉप। नंबर ऑफ कार्बन अगर चार होगा तो क्या बोलेंगे उसको, ब्यूट। क्या बोलेंगे, ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन अगर पांच होगा तो क्या बोलेंगे, पेंट। नंबर ऑफ कार्बन अगर छह होगा तो क्या बोलेंगे, हेक्स। क्या बोलेंगे, हेक्स। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ये काउंटिंग है केमिस्ट्री की, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। चलो फॉर्मूला बनाते हैं जरा फटाफट जल्दी से। फर्स्ट मेंबर का देखो, सी एन, एन की वैल्यू कितनी रखनी है, वन रखनी है एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू वन रखो जरा, सी वन एच टू वन जो टू माइनस टू यानी जीरो, सी एच जीरो हो जाएगा, सी वन एच जीरो, या सी वन को सी भी रख सकते हो आप लोग। और इसका नाम जनरली क्या हो जाएगा, आप बताओ, मिथ स्टार्टिंग में लगेगा और सफिक्स क्या लगता है, आइन। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइन। और अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हो कि ये एक हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बन गया है जीरो। तो इसलिए ये वाला जो मेंबर, ये वाला जो ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है, ये कैंसिल आउट हो जाता है। जिस तरह से अल्कीन में हुआ था वैसे ही अल्काइन में। तो जैसे अल्कीन में, जिस तरह से अल्कीन का फर्स्ट मेंबर था हमारा कौन था, इथीन था, इस तरह से अल्काइन का फर्स्ट मेंबर कौन होगा, इथाइन होगा। देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला होगा C2, कितने लेने हैं, दो, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी रखनी है, दो रखनी है। तो C2 और H कितना हो जाएगा बताना, 2 2 4 -2, यानी C2 हो जाएगा, C2H2। और इसका जनरली नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा इथ, और इथ में लगा दो आइन, यानी इसका नाम हो जाएगा इथाइन। क्या नाम हो जाएगा, इथाइन। और प्रोप के लिए क्या होगा, तीन कार्बन लेना है तो तीन कार्बन ले लिया प्रोप के लिए, प्रोप मतलब तीन कार्बन, तीन एन की जगह तीन रखना है, और 2 3 6 -2 कितना हो जाएगा, H4। कितना हो जाएगा, H4। और इस तरह से इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा नाम, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। इस तरह से ब्यूट के लिए चार कार्बन है तो चार रखेंगे इनकी वैल्यू, C4 C4, और H की वैल्यू क्या आ जाएगी, H की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 4 8 -2 H6। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटाइन। और इस तरह से पांच कार्बन है तो C5 हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा, 5 के हिसाब से C5, 2 5 10 -2 H हो जाएगा 8, ठीक है ना, 8। तो इसका नाम जनरली क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। क्या हो जाएगा, अब तो आप लोगों को पता हो गया होगा पेंटाइन। अगले वाले का फॉर्मूला बताओ, C6, और H कितना लेंगे, 2 6 12 -2 कितना, 10। और इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साइन। क्या हो जाएगा नाम, इसका हेक्साइन। क्लियर है, इस तरह से जनरली हमारा ग्रुप बन के तैयार है। अल्काइन ग्रुप के जो सारे मेंबर्स हैं, पांच मेंबर्स, वो बनके तैयार है। फर्स्ट मेंबर कौन है, फर्स्ट मेंबर हमारा इथाइन, फर्स्ट मेंबर कौन है, इथाइन। और जो हमारा अल्कीन था उसका फर्स्ट मेंबर कौन था, अल्कीन का इथीन था। और अल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन था, मिथेन था। अल्केन में ये वाला कैंसिल आउट नहीं होता, अल्कीन और अल्काइन में पहला वाला मेंबर कैंसिल आउट हो जाता है। क्लियर है, तो अब चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, स्ट्रक्चर की तरफ। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा किसका, इथाइन का, यानी कि इथ वाले का, ठीक है ना, इथाइन का। तो चलो चलते हैं सबसे पहले इथाइन का, इसको आप नोट डाउन कर लेना, पॉज करके, ठीक है ना,
इथाइन का हम लोग क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। चलो इथाइन के लिए फॉर्मूला है C2, ठीक है, C2, ये देख रहे हो आप C2। तो दो कार्बन लेना पड़ेगा, दो कार्बन के लिए एक कार्बन ये लिया हमने और एक कार्बन ये लिया हमने, ठीक है, और दोनों के चार चार इलेक्ट्रॉन देने। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए इन दोनों कार्बन के बीच। ट्रिपल बॉन्ड के लिए तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, 1 2 3 1 2 3, पर एक कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ध्यान रखना। तो एक इलेक्ट्रॉन और लगाने पड़ेंगे, तो तीन ये है, एक और कहीं भी लगा दो आप, यहाँ लगा दो, इसके भी चार इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तीन ये और एक और कहीं लगा दो आप, यहाँ लगा दो, ठीक है। अब जहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन एक क्रॉस के साथ आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, तो एक क्रॉस से दिखाते हैं उसको, राइट। तो इस तरह से हमारा हाइड्रोजन जनरली उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, दो इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, पर कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 पहले काउंट कर लो, फिर सर्कल कर लो, 2 3 3 6, यानी 3 और 3 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब उसको सर्कल कर लो, अब इसको इस तरह से सर्कल कर लो, ठीक है। इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 3 3 6 और 2 8, इस तरह से सर्कल कर लो इसको, इस तरह से सर्कल कर लो इसको, इस तरह से। जनरली इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर भी, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनके तैयार है। बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, सी और ट्रिपल बॉन्ड है इन दोनों के बीच, तो ट्रिपल बॉन्ड और यह आ जाएगा सी और यह आ जाएगा एच और यह आ जाएगा एच, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड के साथ हमने दो हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड लगा दिए और यह बनके तैयार है हमारा, क्या है, C2H2 बनके तैयार है। इसी तरह से आप प्रोपाइन का देख सकते हो, प्रोपाइन का कैसे होगा आप लोग खुद ट्राई करो, पॉज करके जल्दी से फटाफट, जब तक मैं भी कर रहा हूँ तो फिर आप नोट डाउन कर, मैच कर लेना, फिर देखना कौन सा सही है, ठीक है। चलो प्रोपाइन का करते हैं, प्रोपाइन में तीन कार्बन है, कर लिया होगा आप लोगों ने ट्राई, तीन कार्बन है, तीन कार्बन बना दिया हमने, ये थोड़ा बड़ा हो गया, कार्बन बना दिया तीन। अब तीन कार्बन के चार चार इलेक्ट्रॉन होने, लेकिन ध्यान रखना इन दोनों में से कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड लगाना जरूरी है, तो तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो मैं मान के चलता हूँ इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाने की कोशिश करता हूँ, तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन की इन दोनों के बीच शेयरिंग होगी, पर इन दोनों के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन की, यस, एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड नजर आना चाहिए, ठीक है। अब चेक करो कि क्या सारे कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके कितने हैं, तीन, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दो तो कितने हो गए, चार, इसके कितने हैं, चार, तीन और एक चार, इसके तो कंप्लीट है, इसके कितने हैं, एक, तो अभी तीन और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो तीन इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दे दिए, और जहाँ जहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन क्रॉस के साथ आएगा, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्रॉस के साथ, अच्छा सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है पर यहाँ बीच में, तो यहाँ नहीं देंगे हम लोग हाइड्रोजन, बीच में हाइड्रोजन कभी नहीं आता, ठीक है। इस तरह से हमने दे दिया, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ हाइड्रोजन क्रॉस के साथ, इसको क्रॉस, इसको सर्कल करो, इसको सर्कल करो, इसको सर्कल करो और इसको सर्कल करो, सारे सर्कल हो गए। अब कार्बन को सर्कल करने से पहले 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 2 3 2 5 और 3 8 काउंट करके तब जाके सर्कल करना, ताकि गलत ना हो, ठीक है। इस कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन दे दिया हमने, तो अब इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन देना है, तो 2 3 और 3 6 6, तो ये हो गया, और 2 8, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स लेने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। इनके 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि चारों तरफ 2 2 इलेक्ट्रॉन्स चारों साइड से इसको मिल रहे हैं। अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसा होगा, तीन कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन बना दिया हमने, इन दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो भाई देखो इन दोनों के बीच मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है तो मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया, हाइड्रोजन इनके साथ तीन लग रहे हैं तो तीन हाइड्रोजन लगा दिया। आपको हाइड्रोजन काउंट ये तरीका जिस तरीके से मैं बना रहा हूं, अगर आप वैसे करते हो तो आपको हाइड्रोजन को काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिक हाइड्रोजन होता है कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, चार, देखो आप कुल मिला के चार, ये जो कंपाउंड है इसमें चार ही हाइड्रोजन मिलेंगे आपको, 1 2 3 4। तो इस तरह से जनरली हम लोग प्रोपाइन का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। ब्यूटाइन का मैं कर देता हूँ, अब पॉज करके पहले आप लोग करो फटाफट जल्दी से, जब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, पॉज करके जल्दी से फटाफट ब्यूटाइन का जल्दी कर लिया आप लोगों ने, पॉज करके करो। अब मैं ट्राई करता हूँ ब्यूटाइन का, चार कार्बन लगाने हैं, अब तो आप लोग सारे कर लोगे, चार कार्बन लगाने हैं, तो लो मैंने चार कार्बन लगा दिया, और चारों में से किसी दो के बीच, किसी मतलब किसी दो कार्बन के बीच आप क्या लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। तो कहीं मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चारों यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा, तो मैं तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ करवाऊंगा, ठीक है। चलो अब बाकी इन दो कार्बन के बीच सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवानी है बस, इनके बीच इसके बीच भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवानी है बस। अब कंप्लीट करो चार चार इलेक्ट्रॉन, इसके कितने इलेक्ट्रॉन अभी दिया आपने, एक ही दिया आपने, तो इसके तीन इलेक्ट्रॉन और देने पड़ेंगे, 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन और देने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके कितने दिए आपने, 4 हो गए, इसके देखना 3 और 1 4, इसके कंप्लीट है, इसके 4 हो गए, 3 और 1 4, इसके भी कंप्लीट, इसके नहीं, इसके अभी 3 और देने पड़ेंगे, एक ऊपर एक नीचे एक राइट। अब जहाँ जहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है वहाँ हाइड्रोजन लेगा, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्रॉस के साथ आएगा, यहाँ हाइड्रोजन क्रॉस के साथ आएगा, यहाँ हाइड्रोजन क्रॉस के साथ आएगा, और कहाँ हाइड्रोजन, हाँ यहाँ हाइड्रोजन क्रॉस के साथ, और यहाँ हाइड्रोजन क्रॉस के साथ, यहाँ हाइड्रोजन क्रॉस के साथ। अब जहाँ जहाँ हाइड्रोजन आया सबसे पहले उसको सर्कल कर दो और काउंट कर लो कि क्या हाइड्रोजन हमारा सही है या नहीं है, ठीक है। काउंट कर लो सारे हाइड्रोजन को, काउंट करना है इस तरह से हम लोगों को, और काउंट करो सही है नहीं है, देखो 3 और 3 6 हाइड्रोजन, चेक करो 6 है, कंप्लीट हमारा। अब सारे कार्बन को सर्कल करो, काउंट करने के बाद ध्यान रखना, काउंट करना है आपको पहले काउंट, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 2 4
दो छः और दो आठ, अच्छा ठीक है कंप्लीट है। तो इन सबको सर्कल करना पड़ेगा, इन सबको सर्कल करना पड़ेगा आठ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, इन सबको सर्कल करना पड़ेगा। इसके भी आठ चाहिए, तो दो तीन और तीन छः और दो आठ, मैंने इन सबको सर्कल करना पड़ेगा। आठ इसके हो गए, इसके भी आठ चाहिए, तो तीन और तीन छः और दो आठ, इसको पूरे को सर्कल करना पड़ेगा। सर्कल में कार्बन एटम के अलावा बस आठ इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यानी कि एक ही सर्कल में आपने दो दो कार्बन को आपने डाल दिया तो फिर गलत हो जाएगा। इसमें आठ इलेक्ट्रॉन, दो दो चार दो छः और दो आठ, मतलब आठ इलेक्ट्रॉन इसमें भी सर्कल। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। इस तरह से हमारा सर्कल बन के तैयार है। ये हाइड्रोजन बाहर है, ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन अपने सर्कल में रहना चाहिए, हाइड्रोजन अपने सर्कल में रहेगा। इस तरह से हमने चार कार्बन के, एक दो तीन और ये चार, चार कार्बन लिया हमने। इसके साथ तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन लगा दो सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलवेज कैरी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, छोड़ दो। इसके साथ कितने, तीन हाइड्रोजन है, इसके साथ तीन हाइड्रोजन है, सो तीन हाइड्रोजन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके पास यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हमने लगा दिया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ट्रिपल लगा दिया, यहाँ सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड लगा दिया, हमारा ब्यूटाइन बनकर तैयार है। इस तरह से आप लोग पेंटाइन हेक्साइन और सबका कर सकते हो। अगर आप जनरली आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ खुद से ट्राई करो, और अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना कि मुझसे ये नहीं हुआ है, तो मैं आपको दोबारा से करके दिखा दूंगा, ठीक है। और अगली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोमेरिज्म क्लियर करेंगे हम लोग। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया, तो लाइक करें प्लीज़, और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने उस चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा हर वीडियो का। थैंक यू सो मच।